इस साल 18 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति वाला यह त्यौहार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं माँ गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं, साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे। हरतालिका तीज व्रत कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थीं। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया गया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थीं। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियाँ उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। पूरण बात पर सोते ले गौरा दे शिव जी के घर ले ध्यान हो आहे तीज के बरतिया के भूखले में दर्शन दे दीती भगवान हो आहे तीज के बरतिया के भूखले में दर्शन।